नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कायस्थ राजवंशों द्वारा निर्मित प्राचीन विश्वविद्यालय। तो सम्राट कैथिया के वंशज वीरभद्र, जिनको वर्मन के नाम से भी जाना जाता था, उनके पुत्र जो है महेंद्र वर्मन द्वारा दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य की स्थापना की गई, जो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन। तो चोल साम्राज्य की स्थापना दो बार हुई, एक बार भगवान श्री कृष्ण के समय और फिर वो बसा है और नष्ट हुआ है, उसके बाद दोबारा फिर से हुआ। तो उस समय जो भगवान कृष्ण के समय में जो चोल साम्राज्य स्थापित हुआ था, उस समय उस पीढ़ी में, इसी चोल साम्राज्य की पीढ़ी में एक महान शासक हुए विक्रमादित्य, जिन्होंने चोल साम्राज्य की सीमाओं को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, उड़ीसा, बंगाल, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मलेशिया, इंडोनेशिया, जो जितने भी द्वीप हैं, सबको उन्होंने जीत लिया, वहां तक फैलाए। तो महाराज विक्रमादित्य ने बंगाल पर शासन करने के लिए उनके भतीजे आशुतोष वर्मन को बुलाया और राजगद्दी दी। आशुतोष वर्मन के पुत्र सत्यपाल से, जो सत्यपाल हुए, तो यहाँ से जो है जो उनके वंशज हुए वो पाल लगाने लगे, मतलब ये पाल वंश के नाम से बैठ गया, मशहूर हो गया। तो सत्यपाल से कायस्थों के पाल वंश की शुरुआत हुई, इन्होंने बंगाल में शासन किया। तो अब इन्होंने क्या किया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। तो ये है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अंत तक यह विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था। भारत के वर्तमान नक्शे के अनुसार यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर शहर के आसपास रहा होगा। कहा जाता है कि यह उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था। यहाँ 1000 विद्यार्थियों पर लगभग 100 शिक्षक थे। तो एक तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो पाल राजाओं ने बनवाया था, उसके बाद है वल्लभी विश्वविद्यालय। तो जो वल्लभी कायस्थ थे, इन्होंने वल्लभी विश्वविद्यालय बनाया था। वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र में स्थित था। 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 साल इसकी प्रसिद्धि चरम पर थी। चाइनीज यात्री ईत सिंह ने लिखा है कि यह विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी में गुणामती और स्थिरमती नाम की विद्याओं का सबसे मुख्य केंद्र था। यह विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा के लिए भी जाना जाता था। यही कारण था कि इस शिक्षा केंद्र पर पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से विद्यार्थी आते थे। तो एक ये वल्लभी विश्वविद्यालय हो गया, जो वल्लभी राजाओं द्वारा बनाया गया था, जो कायस्थ थे। अब है उदांतपुरी विश्वविद्यालय। उदांतपुरी विश्वविद्यालय मगध यानी वर्तमान बिहार में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजाओं ने की थी। 8वीं शताब्दी के अंत से 12वीं शताब्दी तक लगभग 400 सालों तक इसका विकास चरम पर था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 12,000 विद्यार्थी थे। तो ये है सोमपुरा विश्वविद्यालय। सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना भी पाल वंश के राजाओं ने की थी। इसे सोमपुरा महाविहार के नाम से पुकारा जाता था। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच 400 साल तक यह विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था। यह भव्य विश्वविद्यालय लगभग 27 एकड़ में फैला था। उस समय पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाला सबसे अच्छा शिक्षा केंद्र था। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो में केवल दो कायस्थ राजवंशों द्वारा स्थापित किए गए विद्यालयों की चर्चा की है। इसके अलावा जो मूल चोल शासक थे, उन्होंने हजारों की संख्या में मंदिरों का और शिक्षा केंद्रों का निर्माण कराया। उसके बाद काकतीय साम्राज्य के शासकों ने भी बहुत सारे शिक्षा केंद्रों का निर्माण कराया। उड़ीसा के कायस्थ शासकों ने भी बहुत सारे
शिक्षा केंद्रों का निर्माण कराया। बंगाल के काय शासकों ने भी बहुत सारे शिक्षा केंद्रों का निर्माण कराया था। इसी प्रकार असम के कायस्थ राजाओं ने भी बहुत सारे शिक्षा केंद्रों का निर्माण कराया था। तो इतिहास में जब ये पाल वंश के बारे में आप पढ़ेंगे तो पाल वंश के बारे में कहा गया है, पाल इरा वाज गोल्डन इरा ऑफ नेशन, गोल्डन एज ऑफ नेशन। इसके विपरीत राजपूत टाइम को कहा गया है, राजपूत इरा वाज डार्क एज ऑफ नेशन। तो आप समझ सकते हैं कि कायस्थ शासन में, कायस्थ राजाओं के शासन में देश कितना समृद्ध था और कितना विकसित था। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। नमस्कार।